कोटा जिला कलेक्ट्री में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से आए पीड़ितों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित नगर निगम और UIT के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि इसके पहले भी जनसुनवाई की गई है, उसमें भी पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। उसके बाकी रह गए थे उनकी समीक्षा किया है और उसमें वापस 3 दिन का टाइम दिया गया उनकी पालना कराई गई। अब तक आज जनसुनवाई 90 केस और नए आए हैं, तो प्रयास करें कि सभी प्रकरणों का मौके पर निस्तारण करा दिया जाए और जो भी यहाँ आए कोई अपनी परियोजना का निस्तारण करा दी जाए। कोई ऐसा परियोजना है जिसमें वक्त लगने की संभावना है, परियोजनाएं कई टाइप की होती है, कईयों में वक्त लगता है, कईयों में लीगल नोटिस देना पड़ता है, सुनाई करके निर्णय करना पड़ता है, तो समय जहाँ लगता है वहाँ निचुली समय लेना पड़ता है, कोशिश करें भाई जल्दी जल्दी निस्तारण हो जाए। ऐसे में आज भी कई पीड़ितों की समस्याओं का समाधान किया गया। इसके साथ ही UIT द्वारा शुरू की गई आवासीय योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला, पीड़ितों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने उनके रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। वहीं मुख्यालय के अलावा सुल्तानपुर, इटावा, रामगंज मंडी में भी VC के जरिए जनसुनवाई की गई, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसुनवाई की गई। पंजाब केसरी के लिए योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।